बिहार के छोटे छोटे शहर और कस्बे भी अपनी विशिष्ट मिठाइयों के लिए मशहूर हैं। यहाँ के शुद्ध खोए और रामदाने से बनी मिठाई लाई का नाम सुनते ही आम हो या खास, देसी हो या विदेशी, सभी लोग इसकी ओर खिंचे चले जाते हैं। अगर आप पटना से गया की ओर जा रहे हैं तो धनरुआ, और पटना से मोकामा की ओर अगर जा रहे हैं तो बाट, दोनों रास्ते गुजरने वाले यहाँ के खोए और मावे की लाई जरूर चखते हैं। जायकेदार लाई की फैन फॉलोइंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसके स्वाद से अछूते नहीं हैं। हम लोग पटना से आ रहे हैं, बेगूसराय जा रहे हैं, रास्ता में यहाँ बीच में बाढ़ का लाई बहुत नामी है, मशहूर है, यहाँ हम लोग अक्सर आते हैं, खाते हैं। बाढ़ की लाई की खासियत है कि यह कई दिनों तक खराब नहीं होती, साथ ही बगैर फ्रिज के भी कई दिनों तक अपने स्वाद को नहीं खोती। अब आइए लाई बनाने की विधि यहाँ के कारीगर की ही जुबानी जानते हैं। इसमें इलायची उलायची पड़ता है, एक सादा लाई भी बनता है इसका, वो कैसे स्पेशल है वो, मतलब इतना नहीं बुझाता है वो, उसमें चीनी की मात्रा कम रहता है, इलायची की मात्रा ज़्यादा रहता है। खोए का लाई हुआ ही ना, दोनों खोए का लाई हुआ, एक लाई हुआ जो कि थोड़ा कम भुजिया होता है, उसमें चीनी का मात्रा कम पड़ता है, एकदम नहीं के बराबर पड़ता है, उसका रेट ज़्यादा होता है, इसका रेट कम है। लाई का इतिहास भी अपने आप में अनूठा है। समय के साथ लाई बनाने में भी कई बदलाव आए। लाई सबसे पहले गोविंद साव थे, उन्हीं के द्वारा मतलब कि इसका आविष्कार किया गया, जो अभी रामधानी साहब उनके जो बहुत ज़्यादा विस्तार में वही उन्हीं का दुकान चला, लेकिन वो गोविंद साव जो थे वही लाई बनाते थे और खोंचा में करके बेचते थे। कई लोग लाई के जन्मदाता बाढ़ के राम पदारथ साव को बताते हैं, जिन्होंने बचे हुए दूध को बर्बाद होने से बचाने के लिए दूध का मावा बना दिया और सादी लाई में मिलाकर मावेदार लाई तैयार कर दी। वहीं आज की तारीख में बाढ़ शहर में लाई के लगभग 60 कारखाने चल रहे हैं और कई दुकानें हैं। औसतन रोजाना 100 क्विंटल लाई का निर्माण और निर्यात होता है। रोजाना 2 से 2.5 लाख रुपए की लाई की बिक्री होती है। लाई के इस व्यापार से करीब 5 से 7 हजार लोगों की जीविका चलती है। यहाँ के रोजगार में, नाम में बाढ़ का लाई धीरे धीरे मशहूर हो गया, और जो सबसे बड़ी बात है कि इस छोटे से व्यापार में कम से कम 5 से 7 हजार लोगों का जीविका चलता है, सबका रोजी रोटी इसी से है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सरकार का कोई अनुदान, सहयोग, लोन का कोई प्रावधान नहीं। अब बात करें मसौड़ी के धनरुआ के लाई की, तो शुद्ध खोए की इस स्वादिष्ट लाई से ही आज धनरुआ की पहचान होती है। इस रास्ते से बोधगया जाने और उधर से लौटते समय विदेशी पर्यटक निशानी के तौर पर इस लाई को अपने देश ले जाना नहीं भूलते। धनरुआ का लाई तो बहुत फेमस है, मतलब कि जब भी इधर से कोई भी, मतलब हम है चाहे और कोई भी हो, गुजरते समय जरूर यहाँ से कोई लेता है। धनरुआ में सबसे पुरानी दुकान विजय लाई दुकान है, जिसके वंशजों ने लाई की शुरुआत की थी। यहाँ रोजाना तकरीबन 500 किलो लाई की खपत होती है। अभी 330 से 350 रुपए किलो बाजार भाव है। वहीं एक लाई बनाने में 6.25 पैसे खर्च होते हैं। वहीं धनरुआ के स्टेट हाईवे पर लाई का बाजार सजा हुआ है। इतना ही नहीं, बिहार में बाढ़ और धनरुआ की लाई का बहुत बड़ा कारोबार है। यहाँ करीब 150 दुकानें हैं और इसका सालाना टर्नओवर करीब 5 करोड़ रुपए है। बावजूद इसके, वर्तमान के डिजिटल दौर में इसके बिजनेस का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है। आने वाला समय में अगर ऑनलाइन का डिमांड तो बहुत है, व्यवस्था नहीं अगर हो जाता तो ये 20 करोड़ का कारोबार यहाँ से और राज्यों तक चला जाएगा। व्यापारियों की माने तो अगर सिलाव के खाजा की ऑनलाइन बिक्री हो सकती है और लाई का मार्केट और बढ़ सकता है, साथ ही इसका डिजिटलीकरण हो जाए तो इसके बिजनेस में भी 4 चांद लग सकते हैं। लाई का जो भी डिजिटल हो जाए तो हम समझते हैं कि सालाना इसका बिजनेस 7-8 करोड़ का हो सकता है और पब्लिक को भी सुविधा होगा। बाहर में देश विदेश में जो आदमी बसे हुए हैं जो मंगवाते हैं, अगर डिजिटल हो जाए तो मैंने कि बाहर भी इसका डिमांड जाए। एक तरफ जहां देश भर में स्टार्टअप और वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया जा रहा है, वहीं लाई के इतने बड़े कारोबार के डिजिटल और ऑनलाइन कारोबार पर किसी का ध्यान नहीं। बाढ़ और धनरुआ की लाई रूस, अमेरिका और इंग्लैंड तक जाती है।
अगर लाई के कारोबार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाए तो इसका स्वाद जरूर ही हमारे और आपके साथ साथ लाई के कारोबार को भी एक नया मुकाम देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। 2400 घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।